आज मेरी एक तरफ है नसरीन और दूसरी तरफ है परवीन, मुकाबला है सख्त। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मेरे एक तरफ है नसरीन और दूसरी तरफ है परवीन, यानी आज अनबॉक्सिंग, रिव्यू और एक सख्त मुकाबला होने वाला है। एक तरफ है मेरे शोर SM7B और दूसरी तरफ है फीफा का K688। दोनों डायनामिक माइक्रोफोन है, दोनों कार्डियट पोलर पैटर्न के साथ आते हैं। मजीद डेप्थ में रिव्यू से पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके बॉक्स में से क्या कुछ निकलता है। अनबॉक्सिंग आपने देख ली। बॉक्स में सबसे पहले हमें मिलता है एक अदद यूजर मैनुअल, उसके बाद हमें मिलेगी इसमें एक अदद इसकी केबल टाइप ए टू टाइप सी, यानी आप इसको कंप्यूटर के साथ आसानी अटैच कर सकेंगे। इसके अलावा हमें इसमें मिलता है एक अदद स्टैंड, बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी का ये स्टैंड है। आप इसके ऊपर इस माइक्रोफोन को लगाते हुए टेबल पर रखकर आसानी रिकॉर्डिंग कर सकेंगे, किसी एक्स्ट्रा स्टैंड की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको मिलता है इसके अंदर एक खूबसूरत सा ये माइक्रोफोन। चलें जनाब इस माइक्रोफोन को अब हम डिटेल के साथ देखते हैं। माइक्रोफोन की अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूं तो यहां पर आपको एक म्यूट और अनम्यूट का बटन मिलता है जो कि टच सेंसिटिविटी के साथ आता है, यानी आपको किसी बटन को जोर से प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इसके ऊपर उंगली रखेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा और जैसे दोबारा से उंगली रखेंगे तो ये अनम्यूट हो जाएगा, यानी आपको किसी भी बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं है और वो बटन प्रेस होने का साउंड भी आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर नहीं आएगा। यानी सिर्फ म्यूट और अनम्यूट के लिए आपको इसको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करते हैं तो इसकी लाइट आपको रेड हो जाएगी, आपको मालूम हो जाएगा कि ये म्यूट हो चुका है। दोबारा से आप जब इसको प्रेस करेंगे तो लाइट आपको ग्रीन में दिखाई देगी, यानी अनम्यूट हो जाएगा। अब आप इसे रिकॉर्ड कर सकेंगे कुछ भी जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर मैं इसके शॉक माउंट की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त किस्म के ये शॉक माउंट के साथ आता है। खुदा ना खास्ता रिकॉर्डिंग करते वक्त आपका हाथ माइक्रोफोन को लग जाता है या फिर जो स्टैंड है उसको लग जाता है तो आपकी रिकॉर्डिंग खराब होने वाली नहीं है। ये काफी हद तक जो है वो आपकी आवाज को बचा लेता है, रिजिस्ट कर देता है, तो ये जबरदस्त सी एक और फीचर इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा ये टाइप सी और XLR दो आउटपुट के साथ आता है। अगर आपने इसको कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली लगाना है या आप किसी स्मार्टफोन के साथ इसको लगाना चाहते हैं जिसके लिए आपको OTG कनेक्टर की ज़रूरत होगी, आप आईफोन या फिर एंड्रॉयड के साथ लगाना चाहते हैं तो आपको OTG कनेक्टर साथ में लगाना होगा। आप इस माइक्रोफोन को USB केबल के ज़रिए डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन के साथ या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकेंगे इस USB केबल के साथ। और अगर आप इसी माइक्रोफोन को कनेक्ट करना चाहते हैं किसी ऑडियो इंटरफेस के ज़रिए या फिर आपके पास कोई मिक्सर मौजूद है तो आप XLR केबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके बैक साइड पर ये लगे हुए दो बटन्स की बात करें तो जो ऊपर वाला बटन है इसके ज़रिए आप रियल टाइम पे ना सिर्फ अपनी आवाज़ सुन सकेंगे जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं बल्कि साथ साथ में आपको मिलने वाला है इसी माइक्रोफोन के साथ कंप्यूटर का साउंड सुनने की सहूलत भी। जी हाँ, आप इस बटन को जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाएंगे तो आपकी आवाज़ बढ़ जाएगी और जैसे ही आप वापस लेकर आएंगे तो आपकी आवाज़ कम हो जाएगी। अगर हम नीचे वाले बटन की बात करें तो ये है आपके माइक्रोफोन का गेन। इसको आप घुमा देंगे आपकी आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी, इसको कम करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग की आवाज़ कम हो जाएगी। यानी आपने अपने लेवल्स को जो मेंटेन करना है वो जो आपके लेफ्ट साइड पे बटन लगा हुआ है उसको आपने दबाते हुए ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देखनी है। इस वक्त जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं शुरू से लेकर अब तक ये रिकॉर्डिंग हो रही है शोर के SM7B से। अब मैं चेंज करने वाला हूँ। अब जितनी भी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो रही है फीफाइन के K688 के ऊपर। जो इफ़ेक्ट्स मैंने अपने शोर SM7B के ऊपर लगाए थे सेम वही इफ़ेक्ट इस वक्त मौजूद है मेरे फीफाइन के K688 के ऊपर। क्या आपको रियल टाइम पे एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला?
अगर मिला तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी एक तरफ मौजूद है 2.25 लाख रुपए कीमत का माइक और दूसरी तरफ मौजूद है 25 से 26 हजार रुपए की रेंज का ये माइक्रोफोन। दोनों की वॉइस क्वालिटी आपको कैसी लगी ये लाजमी मुझे बताइएगा। और ये मुझे लाजमी बताना है कि नसरीन ने ये मुकाबला जीता है या ये परवीन ने मुकाबला जीता है। ये माइक्रोफोन आपको कहां से मिलेगा? आपने सिंपली जाना है audeel.com और वहां से आप इस माइक्रोफोन को बआसानी खरीद सकेंगे। इंशाल्लाह किसी और मजेदार सी वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर खिदमत होंगे। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी दबाइए। इंशाल्लाह होती है आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।